नमस्कार, मैं विजेश ठाकुर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ एचपी शिक्षा चैनल पर। तो सुबह के तरम ताजा खबरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले हिमाचल प्रदेश की लेटेस्ट नोटिफिकेशन और अपडेट्स को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट अपडेट से। कुलू फ्लड बिजनेस पार्टनर को बचाकर खुद मौत के मुंह में चली गई विनीता। आज लौटना था दिल्ली लेकिन किस्मत को कुछ और ही था मंजूर। कुछ लोग इस दुनिया को छोड़ने से पहले दूसरे लोगों के लिए ऐसा काम कर जाते हैं कि वे मरने वाले शख्स को ताम्र नहीं भूल पाते हैं। ऐसा ही कुछ गाजियाबाद की रहने वाली विनीता चौधरी ने किया है। विनीता अपने बिजनेस पार्टनरों को बचाकर खुद मौत के मुंह में चली गई। बादल फटने के बाद ब्रह्मगंगा नाले मणिकरण कुल्लू में सैलाब आ गया। सैलाब ब्रह्मगंगा में चल रहे कसोल हाई रिजोर्ट नामक कैंपिंग साइट की तरफ बढ़ा। अचानक पानी बढ़ता देख विनीता बिजनेस पार्टनर अर्जुन फारसवाल को बचाने के लिए दौड़ी। इसमें वो कामयाबी हो गई। हालांकि पानी के सैलाब में अर्जुन घायल हो गया लेकिन अर्जुन को बचाते बचाते पानी विनीता को बहाकर ले गया। विनीता चौधरी 25 वर्षीय पुत्री विनोद डागर गांव निस्तोली नियर डीला मोड़ लोनी रोड गाजियाबाद यहां बतौर प्रबंधक का काम देख रही थी। बुधवार को उसने दिल्ली जाना था। वहीं ब्रह्मगंगा नाले में माँ बेटा भी बह गए। वीरेंद्र पुत्र तीर्थराम निवासी शांगणा मणिकरण लापता है। वीरेंद्र ब्रह्मगंगा पावर प्रोजेक्ट का कर्मचारी है। इनकी तलाश की जा रही है। मंगलवार रात से बुधवार शाम तक सबसे ज्यादा बारिश धर्मशाला में 122 और सोलन जिले के नालागढ़ में 106 मिलीमीटर रिकॉर्ड हुई। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने 29 और 30 जुलाई को भी भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। 3 अगस्त तक बारिश का पूरा अनुमान है। मंडी जिले के भमसोई गांव में एक साथ उठेगी 4 अर्थियां। बाढ़ ने दिया कभी ना भूलने वाला जख्म। लाहौल स्पीति के तोजिंग नाले की बाढ़ ने मंडी के भमसोई गांव को कभी ना भूलने वाले जख्म दिए हैं। बाढ़ की चपेट में आने से इस गांव के चालों कार का ग्रास बने हैं। हादसे की सूचना के बाद पूरे गांव में मातम पसर गया। कई घरों में बुधवार को दिन भर चूल्हा नहीं जला। वीरवार को एक ही गांव से 4 अर्थियां उठेंगी। नाले में बही जीप में मंडी जिले के भमसोई और न्योलीधार के साथ लोग ठेकेदार के माध्यम से पांगी में रोपवे का निर्माण करने जा रहे थे। मंडी उपचुनाव लड़ने को प्रतिभा का अभी विचार नहीं, कौल ने रखी शर्त। मंडी संसदीय क्षेत्र का उपचुनाव लड़ने को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत वीरभद्र सिंह की पत्नी और पूर्व सांसद प्रतिभा सिंह का अभी विचार नहीं है। जबकि पूर्व मंत्री कौल सिंह ने शर्त रखी है कि वह प्रदेश में वर्ष 2022 के विधानसभा का अंतिम चुनाव लड़ेंगे। जिले से बाहर ट्रांसफर करवाने वाली 9 स्टाफ नर्सों के तबादले रद्द। राजनीति पहुंच के चलते चंबा से दूसरे जिलों में तबादला करवाने वाली 9 स्टाफ नर्सों की ट्रांसफर स्वास्थ्य निदेशक ने रद्द कर दी है। इन्होंने चंबा मेडिकल कॉलेज में नौकरी ज्वाइन तो कर ली थी लेकिन इसके कुछ माह बाद ही अपने गृह जिला में ट्रांसफर करवाने के जुगाड़ में ये नर्सें जुट गई थी। पिछले माह करीब 9 स्टाफ नर्सों ने राजनीति पहुंच के चलते हमीरपुर शिमला और मंडी के लिए ट्रांसफर करवा ली है। वैक्सीन की पहली और दूसरी डोज लगाने के बाद भी कोरोना पॉजिटिव हो रहे लोग। वैक्सीन की पहली और दूसरी डोज लगाने के बाद भी लोग कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से किए गए अध्ययन में पता चला कि जिन लोगों ने वैक्सीन की डोज लगाई है वे कम और जिन्होंने टीकाकरण नहीं करवाया है वे ज्यादा संक्रमित हो रहे हैं। 19 से 25 जुलाई तक राज्य में कुल 670 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। इनमें से 457 ऐसे लोग हैं जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगाई है। 138 लोग पहली खुराक और 63 लोगों ने दोनों डोज लेने के बाद संक्रमित पाए गए हैं। ड्रैगन को दबाने की कोशिश। दलाई लामा के प्रतिनिधि से मिले अमेरिकी विदेश मंत्री। ट्विटर पर शेयर की तस्वीर। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के पहली बार तिब्बत के दौरे के एक हफ्ते के बाद भारत में विदेशी कूटनीति की हलचल हुई है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन दिल्ली में बुधवार को बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा के प्रतिनिधि नुडव डोंगचुंग से मिले। डोंगचुंग निर्वासी तिब्बत सरकार के प्रतिनिधि भी हैं। इस संक्षिप्त मुलाकात के दौरान सिविल सोसाइटी के नेता भी मौजूद रहे। अमेरिकी विदेश मंत्री ने ट्विटर पर मुलाकात की तस्वीर भी साझा की है। अब सस्ते राशन के डिपुओं में भी जमा होंगे बिजली के बिल। हिमाचल प्रदेश में अब सस्ते राशन के डिपुओं में भी बिजली के बिल जमा होंगे। ऑनलाइन बिल जमा नहीं करवाने वाले करीब 5.73 लाख उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए बिजली बोर्ड प्रबंधन ने यह फैसला लिया है। लोक मित्र केंद्रों और राशन डिपुओं में बिल जमा करवाने पर उपभोक्ताओं को अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होगा। पहले घरेलू उपभोक्ताओं को 2.5 रुपए और अन्य को लोक मित्र केंद्रों में बिल जमा करवाने पर 7.5 रुपए अधिक देने पड़ते थे। हिमाचल की 9 समेत देश की 39 दवाओं के सैंपल फेल। हिमाचल प्रदेश में बनी 9 दवाओं सहित देश भर की 39 दवाओं के सैंपल फेल हुए हैं।
ये दवाएं दर्द, बुखार, इन्फेक्शन, उच्च रक्तचाप और कीटनाशक से संबंधित हैं। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन के जून के ड्रग अलर्ट में इनके सैंपल फेल पाए गए। संगठन ने जून में देश भर में 681 दवा सैंपल लिए थे, जिनमें 39 दवाओं के सैंपल फेल हुए हैं। वहीं कांगड़ा के टूली फॉर्मुलेशन कंपनी की दर्द की दवा, कांगड़ा की ही संसारपुर टेरेस स्थित टेरेस फॉर्मुलेशन की बैक्टीरियल इन्फेक्शन की दवा, पांवटा साहिब के गोंदपुर स्थित कीटनाशक दवा और बद्दी के चक्का रोड स्थित हेट्रो लैब कंपनी की उच्च रक्तचाप की दवा के सैंपल फेल हुए हैं। राज्य दवा नियंत्रण नवनीत मरवा ने बताया कि सैंपल फेल होने वाली दवा कंपनियों को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। ऊना में कलयुगी पिता ने लूटी बेटी की आबरू, पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू की छानबीन। जिला ऊना में कलयुगी पिता ने अपनी ही 14 वर्षीय बेटी का हौस का शिकार बनाया है। पीड़ित बेटी ने महिला पुलिस थाना ऊना में अपने पिता पर दुष्कर्म का आरोप लगाया है। बेटी की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी पिता के खिलाफ आईपीसी की धारा 376, 506 व पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर तफ्तीश आरम्भ कर दी है। पुलिस को दी शिकायत में पीड़िता ने बताया कि इसकी आयु 14 साल है, पिछले वर्ष इसके पिता ने इसके साथ दुष्कर्म किया। उधर एसपी अजीत सिंह ठाकुर ने बताया कि पुलिस ने पीड़ित लड़की की शिकायत पर आरोपी पिता के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया है। मामले को लेकर जांच जारी है। चंबा में पति ने मार डाली गर्भवती पत्नी, हिमगिरी पंचायत में सिर पर वार कर सुलाया मौत की नींद। चुड़ाव उपमंडल की हिमगिरी पंचायत के देवंतार गांव में पति ने गर्भवती पत्नी की सिर पर डंडे से वार कर हत्या कर दी। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर हवालात में बंद कर दिया। पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त डंडे को भी कब्जे में ले लिया है। आरोपी को पुलिस रिमांड हेतु अदालत में पेश किया जा रहा है। मृतिका अपने पिछले 1.5 साल की बच्ची सहित 5 बच्चों को छोड़ गई है। देवंतार गांव का जय सिंह मंगलवार रात शराब के नशे में धुत होकर अपने घर पहुंचा, जहां किसी बात को लेकर जय सिंह को अपनी पत्नी कांची देवी के साथ कहासुनी हो गई। इस दौरान गुस्साए जय सिंह ने कांची देवी के सिर पर डंडे से वार कर दिया। नवकथित भ्रष्टाचार वीडियो वायरल मामले में सफाई ठेकेदार गिरफ्तार। पांवटा साहिब सिरमौर हिमाचल प्रदेश विजिलेंस विभाग ने पांवटा नगर परिषद के पूर्व सफाई ठेकेदार को गिरफ्तार कर लिया है। सफाई ठेकेदार ने एक कथित भ्रष्टाचार के एक वायरल वीडियो मामले में अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दर्ज की थी। बुधवार को जमानत याचिका खारिज हो गई है, जिसके बाद ठेकेदार को गिरफ्तार किया गया है। विजिलेंस की टीम को पिछले कई दिनों से भ्रष्टाचार के वायरल वीडियो मामले में ठेकेदार की तलाश थी। 96 करोड़ के उद्योगों को मंजूरी, सब कमेटी की हरी झंडी, युवाओं को मिलेगा रोजगार। हिमाचल प्रदेश में 96 करोड़ रुपए के नए उद्योगों को मंजूरी मिली है। इसमें 50,91,50,000 रुपए के नए उद्योगों के प्रस्ताव पारित हुए हैं, तो 45,41,52,000 रुपए की एक्सपेंशन योजनाओं को सब कमेटी ने मंजूरी दे दी है। इसमें करीब 1,000 लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। तो यही थी हिमाचल प्रदेश की सुबह की ताजा खबरें। तो हिमाचल प्रदेश की लेटेस्ट नोटिफिकेशन और अपडेट्स को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।